मैं शर्लिन चोपड़ा कर रही हूँ। डंडे पुलिस वालों ने डंडे मार के पुलिस वालों ने भगा दिया। मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे, झूठी झूठी कंप्लेंट लोगों पे इल्जाम लगाती हूँ मैं, रेप का छेड़खानी का रिपोर्ट लगाती हूँ मैं। पुलिस वालों ने डंडे मार के भगा दिया मुझे। राखी सावंत has reacted to the police complaint filed against her by Sherlyn Chopra. The controversy queen says that she too will file a complaint against Sherlyn for commenting on her personal life. मेरे नाम पे करो। राखी जी obviously मेरे नाम पे करो, मैं भी अभी करूँगी। मानहानि का दावा, मेरे दस पति, इस यहाँ पे किसको बोलने का अधिकार है? मेरे दस पति, मेरे बाल मोटी, ये वो, चप्पल से मारूंगी, बहुत सारा बोला है ना, आने दो, मैं इंतजार में बैठी हूँ। राखी ऑल्सो सेड दैट शी इज हियर टू प्रोटेक्ट हर इंडस्ट्री फ्रॉम पीपल लाइक शर्लिन चोपड़ा। शर्लिन चोपड़ा का असली चेहरा लोगों को इसलिए दिखाती हूँ, इसलिए आई हूँ कि वो एक वो एक पहले ब्लू फिल्मों में काम करती है, पॉर्न स्टार है, और वो कहती है कि मैं हिंदुस्तान की औरतों को इज्जत दिलाने चली हूँ, इज्जत दिलाने चली है। अरे पहले तो खुद की तो इज्जत को ढक के रख, पहले तो न्यूड होके बॉडी पे हनी डाल के चॉकलेट डाल के ये गंदगी कर रही है क्या? तो, जो कार्यकर्ता है जो उसको सपोर्ट कर रही है, क्या उन कार्यकर्ता महिलाओं को क्या पता है? वो एडवोकेट्स जो है क्या उनको पता है कि शी इज अ पॉर्न स्टार? 2019 में अलीगढ़ में वो प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी गई थी, सब कुछ तो मैंने आपको दिखाया है ना जी? नहीं नहीं। तो फिर और एक बात बताइए कि वो शर्लिन चोपड़ा रो साल में 6 महीने सिर्फ पुलिस स्टेशन मीडिया ट्रायल करती रहेगी, और सारे सेलिब्रिटी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मंत्री शंत्री इन पे इल्जाम डालती रहेगी, आप मुझे बताइए, इल्जाम डालती रहेगी। वो बेचारे वो लोग तो खामोश बैठे हैं, उनकी बीवियां खामोश बैठी है कि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि शर्लिन चोपड़ा एक कीचड़ है, समझ रहे हो आप? वो एक कीचड़ है, तो कीचड़ का जो कीड़ा है ना, तो मुझे कीचड़ में जाके शर्लिन कीचड़, शर्लिन चोपड़ा कीचड़ का जो कीड़ा है उसको अंदर जाके मारना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं ही हूँ एक बॉलीवुड में हूँ जो ऐसे गंदे नाली के कीड़ा जो शर्लिन चोपड़ा उसका सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? मेरे बॉलीवुड के लोगों के लिए, देश के उन जनता के लिए, उन मर्दों के लिए जो जिसको शर्लिन चोपड़ा ने गोप्रो कैमरा रखकर होटलों में अंदर बुलाता है, वो डायलॉग है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो शर्लिन चोपड़ा पे ही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, गोप्रो कैमरा रख के वो आपकी ब्लू फिल्म बना लेगी, स्ट्रिंग ऑपरेशन कर लेगी, गंदगी करेगी, और सारी जिंदगी आपको वो ब्लैकमेल करेगी या आपके वीडियो अपनी बीवी बच्चों को दिखा देंगे तो वो पैसा भर लेगी भाई साहब। वेल द कैट फाइट बिटवीन रॉकी एंड शर्लिन इज गेटिंग इंटेंसिफाइड डे बाय डे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।